मैं मनोविकार सेक्स रोग समूह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है यहाँ मनोरुग्ण पेशेंट जो है और व्यसनी पेशेंट जो है उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। दूसरा हॉस्पिटल है जहां रिश्तेदारों के अलावा अकेले भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो मेरे पास में काफी लोग आते हैं जो लोग टेंशन में रहते, चिंता में रहते, एंग्जाइटी में रहते, उनके हम डिसीजन नहीं ले पाए, हमको समझता नहीं है, हम कभी जो कुछ करते हैं वो रिएक्शन में करते। होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो है भैया वो ना एक्शन नहीं करता, रिएक्शन में ज्यादा रहता है, रिएक्शन मोड में। और फिर ज्यादातर लोग रिएक्शन में रहते, फिर कभी लोगों को ऐसा होता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, ये करना कि ये करना, इनडिसाइसिवनेस। तो फिर मैं उनको बताता हूं कि आप एक काम करो कि इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है, इसके बाजू में आप क्या क्या लिख सकते हैं, कितने फायदे इससे हो सकते हैं वो लिखो, कितना नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकता है वो लिखो। अब देखो फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है, और वो हिसाब से काम करो। दूसरे प्रकार के लोग आते बोलते कि हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, भावनावश हो जाते हैं, जज्बात में आके निर्णय लेते हैं और रिएक्शन में तुरंत हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें फिर नुकसान होता है। अब कभी भी जज्बात में, इमोशंस में, भावना में आके निर्णय लेंगे और काम करेंगे तो आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वहां इंटेलिजेंस काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, आपका ब्रेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसा कुछ निर्णय लेने का है, कुछ नया धंधा चालू करने का है, जज्बात में आके कहीं इंस्पायर हो गया, पूर्व भी ये करने का है, ऐसी इच्छा हो गई है, इसको कुछ उल्टा जवाब देने का है, तो कभी भी ये करना है कि टाइम मांग के लेना है, कम से कम 7 दिन का टाइम लो, बड़ा काम होगा तो 1 महीने का टाइम लो, और 7 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में भी यदि आपको जो लग रहा है कि मैंने करना चाहिए, वो यदि वो कॉन्स्टेंट इच्छा रहती है, वो विचार कायम रहते हैं 7 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, तो समझना कि वो मन की आवाज है, वो बुद्धि है जो आपको बोल रही है करो। क्योंकि 7 दिन से लेके 1 महीने तक आपकी जो भावना है, इमोशंस है, वो क्वाइट हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और फिर जो भी आप निर्णय लेंगे वो बुद्धि से निर्णय लेते, इंटेलिजेंस से निर्णय लेते। तो आप निर्णय ले लो मगर तुरंत लेते हो तो उसको टाइम देना, तो किसको भी कुछ बोलना है तो टाइम मांग के देना है, और फिर टाइम लेने के बाद में, आप सोचने के बाद में, जो भी आप उनको निर्णय देते हैं, जो भी आप कृति करते हैं, काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, हो सकता है कि आप फेल हो जाए, वो जरूरी नहीं कि उसमें सक्सेस मिलेगा, मगर वो फेलियर के लिए आप तैयार हो कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, वो भी सोचो, उसकी भी सोच लो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वो करो, और बाद में फिर उसके बाद में उनको इन्फॉर्म करो, निर्णय लो, और बाद में वो कृति करो। तो जब जब कोई किसी को प्रॉब्लम है कि भी क्या करो, ये करो कि वो करो, उसके बारे में मैंने बोला, और निर्णय किसको देना है, तो जज्बात में आके निर्णय न लेते हुए उसको टाइम लेके कम से कम 7 दिन, 1 महीना, जितना मतलब कौन सा काम है उसके ऊपर है वो, वहां से, क्योंकि अभी एक दिन मेरे पास में आया, बोले मुझे एक व्यक्ति ने ऑफर किया है और उसके साथ में मुझे होटल चालू करने का, वो बोल रहा है कि 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका प्रोजेक्ट मैंने देखा और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं उसमें मैं सफल हो जाऊंगा और अच्छा चलेगा होटल, मेरा धंधा अच्छा चलेगा, और उसने मेरे को सब बता दिया प्लान, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैं करने वाला, मैं क्या करूँ, मतलब आप करने वाले हो भी बोल रहे हो, क्या करूँ भी बोल रहे हो, पहले ये सोचो कि उसने आपको बताया, अभी रुक जाओ, आपको ऐसा उसने इंस्पायर किया है, उसको आपने बहुत मोटिवेट किया है और मोटिवेशन में आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैंने करना है, आपकी भावना थोड़ी शांत होने दो, उसको बैठने दो विचार को जरा शांति से, और आपको 1 महीने के बाद में भी ऐसा लगे कि नहीं मैं ये पार्टनरशिप कर सकता हूं, मैंने ये करना है, तो फिर जरूर लो। तो इसकी तैयारी करना चाहिए और कभी भी शांति से, आराम से, भावना में ना आके निर्णय लेना जरूरी है। आपको वीडियो लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।